नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश एनएचएम में एक बड़ी भर्ती जो है चालू हो गई है। इस वीडियो में हम आपको बताने इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जिसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की अलग अलग भर्ती है। कुल जो है 17,000 से अधिक पद पर जो भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 17,291 पद पर भर्ती हो रही है, जिसमें अलग अलग जो प्रोग्राम के अलग अलग पोस्ट दिए हुए। जैसे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के जो है अलग अलग जो प्रोग्राम है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या चीज की जरूरत लगने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे इसका फॉर्म का जानकारी और डिटेल्स आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, आप इस तरीके का पेज खुल जाएगा। आपको सीधा जो है आना है। इसमें जो भर्ती है दोस्तों, एक चीज और बता दें, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दी हुई है। अगर आप नोटिफिकेशन के थोड़ा सा नीचे आएंगे, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि आप जो स्टाफ नर्स के लिए भर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की जो अलग अलग डिपार्टमेंट में किस एरिया में किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट है, ये भी जानकारी जो है दी हुई है। नोटिफिकेशन में ही आपको थोड़ा नीचे आना है। बाकी दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको जो है sarkarrizal.com या तो फिर rozgarrizal.com पे जाना है। वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका एडवर्टीजमेंट जो है डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। सीधा हम चलते हैं अप्लाई पर, यहाँ पे टिक करते हैं और प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। आप इस फॉर्म को जो है मोबाइल पे और अपने डेस्कटॉप लैपटॉप से भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी दी है, वहां से आप जो है कर सकते हैं। जैसे आप भरेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि आप जो है किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको आया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम वाइज भर्ती जो है दी हुई है। तो आपको जो एक ही प्रोग्राम जो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, मैं स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है। तो मैंने जो स्टाफ नर्स सिलेक्ट किया है, वो मैंने चाइल्ड हेल्थ के लिए किया है, जिसमें 1847 पद है। आप चाहे तो अलग अलग दिया हुआ है, जिसमें आप चाहे उसमें कर सकते हैं। कम्युनिटी प्रोसेस में भी अगर आप देखेंगे तो 1737 पोस्ट है, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ किया है। यहाँ पे मैंने पोस्ट में स्टाफ नर्स डाल दिया। प्रोग्राम कोड वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। नाम वगैरह जो आपको डालना है, क्लास 10th की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट उसके अनुसार डालना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को आपको एज इट इज जो है यहाँ पे डाल देना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने वाले यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा। आपको इस वाले सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना और आगे बढ़ना। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। इसका आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अभी आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम आ जाएगा, पोस्ट कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपको तीन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने, तो मैंने पहले आगरा ले लिया है, दूसरा मैंने गाजियाबाद ले लिया, तीसरा मैंने जो है गोरखपुर ले लिया। जेंडर डाल दिया है। यहाँ पे पूछा है कि आपको उत्तर प्रदेश का निवास है, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे यस कर दिया है। निवास पर पूछेगा आपकी कैटेगरी कौन सी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी कैटेगरी आपको डालना है। थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि देनी है, जो कि 12/12/2022 से कैलकुलेट होगी। तो मैं यहाँ पे अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने वाले यहाँ पे देख सकते हैं 12/12/2022 को आपकी उम्र कितनी है, ये सोच कर जाएगा। पूछ रहा है इसके बाद कि आपको विकलांगता है, डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना। नो करने बाद आपको वापस यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना और आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका पूछा कोई फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, एक्स सर्विसमैन तो नहीं है। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, मैंने अपने पिता का नाम डाल दिया है। नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम यानी मदर नेम डालना है। आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है कि अनमैरिड है। थोड़ा सा नीचे चल, कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ठीक नीचे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है, पूरा एड्रेस डाल दिया है, स्टेट डाल दिया है मैंने, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है, और यहाँ पे पिन कोड डाल दिया है। दोनों एड्रेस हमारा सेम है, तो हम यहाँ पे यस करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दोबारा पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे दोबारा डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन है, उस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हम आ चुके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। सबसे पहले पूछा है क्लास 10, क्लास 10 आपने जो है किस बोर्ड से पास आउट किया, तो मैंने क्लास 10 यूपी बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड डाल दिया। उसके बाद पूछा क्लास 10 आपने जो है कब पास आउट किया, तो क्लास 10 का पासिंग ईयर डाल दिया। आपके इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम जो है वो डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था वो आप डाल दीजिए। आप किसी भी वगैरह भी लिख सकते हैं, अगर आपका स्ट्रीम में साइंस वगैरह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना परसेंटेज डालना है, आपका परसेंटेज कितना था, सेम वही प्रोसेस आपको अपनाना है। आपको इंटर का डिटेल डालना है, यहाँ पे आपने को जो स्टूडेंट का नाम है वो डाल देना है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या था आपका वो डाल देना है, यहाँ पे आपने जो है कब पास आउट किया है, पासिंग ईयर डाल देना है, आपको अपना परसेंटेज डाल देना है। परसेंटेज डालने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपने डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो डाल देना है। बीएससी है तो डिग्री है, और डिप्लोमा जो आपकी जो पोस्ट के लिए डालेंगे उस पोस्ट के हिसाब से आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पे डिप्लोमा कर दिया है। यहाँ पे जो आपने जिस इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है।
आगे बढ़ेंगे। कब आपने जो इसको पास आउट किया है, पासिंग का ईयर डाल देना है आपको, आपका परसेंटेज कितना था परसेंटेज डाल देना है। यहाँ पे पूछा आपका रजिस्टर्ड है यूपी नर्सिंग काउंसिल से, तो यहाँ पे कहने वो यहाँ पे आपको जो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में साथ जो है लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा इंगेज द कोविड मैनेजमेंट, अगर आप इंगेज थे तो आपको यस करना है, उसका आपको वेटेज मिलेगा, नहीं है तो सिंपली आपको नो करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको कुछ चीजें लगानी है, जैसे आपको फोटो लगानी है जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको सिग्नेचर लगाना है, आपको क्लास 10th की मार्कशीट लगानी है ड्यूट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, आपको जो अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट लगाना है, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल लगाना है, साथ ही साथ जो आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, जैसे मान लीजिए आप फार्मासिस्ट की तो फार्मासिस्ट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपको अपलोड करने में जरा सी भी दिक्कत आती है तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट.टूल। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको जेपीजी से पीडीएफ बनाना है तो बना सकते हैं, अपना रिज्यूम सीवी बना सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल कमाल की वेबसाइट है, इस्तेमाल जरूर कीजिए और इसको बुकमार्क पर सेव कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब चीजें जो अपलोड कर रहा हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अपलोड होता जाएगा। बता दें साइज है वो 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए, जो साइजिंग के लिए आपको सरकारी रिजल्ट.टूल की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। तो यहाँ पे आप जाएंगे इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मान लीजिए आपका साइज फोटो का 50 KB, तो जैसे आप अपलोड करेंगे ओरिजिनल साइज आपका दिख जाएगा, उस साइज से आपको बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको ऐसे सेट करना है कि आपका 80 KB हो जाए। हो सकता है एक दो बार आपको उसको टेस्ट करना पड़े, करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू चेक करना है, प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको उसको सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले सारी चीजें अच्छी तरह चेक कर लेंगे, जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आपको ये फॉर्म कम्प्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो से, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।